हेलो फूडी, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लक्ष्मी होम कुकिंग में। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और प्रोटीन से भरपूर कटलेट की रेसिपी। आप चाहे तो इसे फ्रिटर भी बोल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये जो टेस्टी और हेल्दी फ्रिटर्स मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ, इनका मेन इंग्रेडिएंट है ये एक यानी कि मछली के अंडे। मैंने ये फिश पैक हमारे लोकल फिश मार्केट से लिए हैं। जब भी फिश की कटिंग होती है तो फिश वाले भैया इसे अलग से रख देते हैं, क्योंकि हर कोई फिश के साथ इसे खरीदता नहीं है। जिसे पसंद होता है वो अलग से खरीद लेते हैं। मैंने यहाँ पे रोहू फिश के एक लिए हैं, जो अवेलेबल थे मैंने वो लिए हैं। आप चाहे दूसरे फिश के भी अगर आपको मिलते हैं तो वो ले सकते हो। मैंने इन फिश के एग को अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये फिश के अंडे ऊपर दिखाए फोटो के जैसे ट्रांसपेरेंट लेयर के सरफेस में होते हैं और हमें ये ऊपर की पतली प्लास्टिक जैसे लेयर निकालनी पड़ती है। उसमें थोड़े से ब्लड वेसल भी होते हैं, वो भी निकालने होते हैं और अच्छे से क्लीन करना होता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लीन करके रख लिए हैं। ये फिश के एग प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं, साथ में इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, जो कि ब्रेन, हार्ट और बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हमें बीच बीच में इसे हमारे डाइट में इंक्लूड करना अच्छा होता है। अभी आपको फिलहाल ये फिश के अंडे एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, बट पकने के बाद एकदम व्हाइट हो जाते हैं और बिल्कुल खसखस की तरह दिखने लगते हैं, यानी कि पॉपी सीड्स की तरह दिखते हैं। खसखस में और आपके ये फिश के अंडों में आपको फर्क बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। चलिए जल्दी से ये मजेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मसाले डालेंगे। मैंने मसालों में आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लें। फिश के एक जितने क्वांटिटी में है उसके हिसाब से आप सभी मसाले लें। बाद में मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर लिया है, ये तीखा वाला मिर्ची पाउडर है। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आधी छोटी चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद हमें थोड़ा सा आधा छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। इसमें मैंने प्याज, लहसुन और करी पत्ता लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेना है बारीक। यहाँ पे करी पत्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको करी पत्ता पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, बट करी पत्ता डाल के इसे जरूर ट्राई करें। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी यहाँ पे डाल देना है और फाइनली हमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। ये फिश के अंडे है तो इसका थोड़ा सा फिश स्मेल आएगा ही। हमें इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना है, इससे थोड़ा सा टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा और जो फिश स्मेल होता है वो भी नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे आधे नींबू का रस डाल दिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से नींबू का रस कम ज्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे बाइंडिंग के लिए एक छोटा चम्मच चावल का आटा लिया है। हमें थोड़ा सा चावल का आटा लेना है, ज्यादा चावल का आटा नहीं लेना है। फिश के तले से स्टिकी होते हैं, जिसमें थोड़ा सा चावल का आटा डालना है। अभी हमें इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी है जितनी चीज़ें डालनी थी। अभी मैं इसे हाथों से मिक्स करने वाली हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। हाथों से अच्छे से मिक्स करने से इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है, इसलिए मैंने इसे हाथों से मिक्स किया है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे 10 मिनट में रेस्ट पे रखना है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बाजू में दिया गया बेल बटन प्रेस करें, इससे आने वाले नई रेसिपीज की अपडेट सबसे पहले आपको मिलेंगी। मैंने यहाँ पे साइड में पैन में तेल गरम करने रखा है। मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डाला है और अभी यहाँ पे हमारा मिक्सर जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मीडियम गैस पे तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। अभी हमें छोटे चम्मच से थोड़ा सा मिक्सर यहाँ पे लेना है और तेल में इसे डाल के थोड़ा सा इसे सना देना है और इसके ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे फ्रिटर्स बना लेने हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े साइज में फ्रिटर्स फैला सकते हैं, बना सकते हो। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे बनाए हैं क्योंकि बच्चे भी खाते हैं तो छोटे छोटे खाने में अच्छे लगते हैं। मैं इन्हें यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप साइड पे और कम तेल खाना चाहते हो तो आप थोड़े से तेल में भी इन्हें सेक सकते हैं। अभी हमें गैस पे मीडियम रखना है और इसे एक साइड से अच्छे से सेक लेना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं, ये सेक करते हैं। अभी इसे मैं दूसरी साइड से पलट देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अच्छे से सेक रहे, गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है और अभी ये और ज्यादा क्रिस्पी होंगे। हमें इसे अलग से पलटते 2-3 बार ऐसे सेक लेना है। 1 से 1.5 मिनट हो गया है तो दूसरी साइड से हम लोग इसे पलट देते हैं। आप देख सकते हैं इस साइड से कितना बढ़िया गोल्डन क्रिस्पी कलर आया है। तो एक फ्रिटर मैं आपको पास से दिखा रही हूँ जो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्रिस्पी दिख रहा है और एकदम गोल्डन ब्राउन बढ़िया कलर आया है। तो दिखने में इतना सुंदर दिख रहा है और तो खाने में कितना टेस्टी होगा।
तो हमें सारे फिटर्स इसी तरह अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे फिटर्स यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको एक तोड़ के अंदर से इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेम्पिंग लग रहा है, कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। अंदर से पीस के एकदम कॉफी चिप्स की तरह दिख रहे हैं, यानी कि खसखस की तरह दिख रहे हैं। तो मैंने इनका टेक्सचर तो दिखा दिया आपको, अभी इसे खाने का तरीका बताती हूँ। ऊपर से आप इस ओनियन का रिस रख दे, थोड़ा सा नींबू का रस डाले और इसे खाए। ऐसे खाने से बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरा 5 साल का बेटा तो इसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, मैं हमेशा उसके लिए इसे बनाते रहती हूँ। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। तो आप भी इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें, आप सबको ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बाजू में दिए गए बेल बटन प्रेस करें, इससे आने वाली नई रेसिपी की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती है। अगर आपको मेरा ये रेसिपी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपको रेसिपी कैसे लगी है कमेंट द्वारा मुझे जरूर बताएं। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं हमारे नई रेसिपी के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।